अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शुभ उद्घाटन होगा। इसको लेकर पूर्णिया में राम भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उद्घाटन से पूर्व ही कई तरह के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। उद्घाटन के एक रोज पूर्व राम भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली और शोभा यात्रा के जरिए शहर में घूम घूम कर भगवान राम के नाम का जयकारा लगाया। पूर्णिया के गुलाब बाग में भी भव्य यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की और ढोल बाजे डीजे के धुन पर पूरा गुलाब बाग भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। आरएसएस के जिला अध्यक्ष ने इस संदर्भ में कहा कि यह अद्भुत क्षण का गवाह बनना ही अपने आप में पुण्य का कार्य है, जिसका इंतजार हम सदियों से करते आ रहे थे। उस महत्वपूर्ण क्षण का अद्भुत नजारा 22 जनवरी को पूरे देश में देखने के लिए मिलेगा और पूरा देश अयोध्यामय हो जाएगा। अयोध्या में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यहाँ के राम भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली, जो 10:30 बजे साईं गेस्ट हाउस से लेकर 0 माइल तक गया। हजारों की संख्या में महिला पुरुष राम भक्त इसमें शामिल थे और काफ़ी उत्साह था। झंडे थे, नारे लग रहे थे, काफ़ी उत्साहित लोग थे, काफ़ी खुशी थी कि राम का प्राण प्रतिष्ठा कल हो जाएगा, राम हम सब के बीच में आने वाले हैं, इसी का खुशी था। मंदिरों में भी विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, रामायण पाठ हो रहा है, कहीं अष्टजाम हो रहा है, पूरा जन समुदाय उत्साहित था। और इसी उपलक्ष्य में यहाँ के राम भक्तों ने एक भव्य शोभा यात्रा निकाला। सर, काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी इंतजार के बाद राम मंदिर बना और उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ये वैसे भक्त जो कि इंतजार कर रहे थे उनके लिए कितनी बड़ी खुशी का दिन है सर। सचमुच में कई वर्षों से यह आंदोलन चल रहा था, कितने कार सेवक इसमें बलिदान हुए और कितने तो अपने आंदोलनकर्ता थे जो इस को देख नहीं पाए और चल बसे, जैसे अशोक सिंघल, कल्याण सिंह, एक कुछ महापुरुष थे जिनके द्वारा शुरू किया गया लेकिन वो देख नहीं पाए। लेकिन अभी का पीढ़ी जिसने यह देखा, समझिए कि बहुत ही वो उनके लिए पुण्य का काम है कि अपने जीते जी उन्होंने रामलला के प्रतिष्ठापन को देखा है। सचमुच में यह भारत का भाग्य, भारत का भविष्य, भारत जो विश्व गुरु बनने जा रहा है उसके लिए यह प्राण प्रतिष्ठा एक शुरुआत है। हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे समाज में जो विषमता थी, विभेद था, लगता है राम के आने से सब मिट रहा है। सर, क्या पूर्णिया से भी बड़ी संख्या में भक्त जाएंगे वहाँ?
बहुत बड़ी संख्या में जाएंगे। 22 तारीख को जाने के लिए मना किया गया है क्योंकि वहाँ हजारों आमंत्रित लोग आएंगे। 22 के बाद 23 तारीख से लोग जाएंगे, लोग योजना बना रहे हैं, बस जाएंगे, रेल से जाएंगे, इस तरह की योजना बना रहे हैं। तो सर ये बताइए थोड़ा कि जो इस तरह से भगवान राम के मंदिर बनाया गया और प्राण प्रतिष्ठा किया गया, क्या टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा? निश्चित, ये जो राम जन्मभूमि में जो आज रामलला विराजमान हो रहे हैं, हजारों की संख्या में पूरे भारत से लोग जाएंगे, आ रहे हैं, विदेश से आएंगे। यह समझिए कि भारत भूमि ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक धरोहर होगा और वहाँ विकास की गंगा बहेगी। एक एक व्यक्ति अगर 2000 रुपया भी वहाँ खर्च करता है तो सोचिए कि जो हजारों लोग आएंगे वो कितना पैसा वहाँ अयोध्या में व्यय होगा, रोजगार बढ़ेंगे और कारोबार बढ़ेगा, इससे भारत का विकास होगा। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर शुरू होने से हुआ, करोड़ों की संख्या में वहाँ पर पर्यटक आने लगे, उसी तरह अयोध्या में करोड़ों की संख्या में आएंगे और निश्चित रूप से वो विकास को एक रफ्तार देगा। श्री बालाजी एजेंसी NH-31 गुलाबबाग पूर्णिया, यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथ टब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद, तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NH-31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।